अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सलमान एंड वेलकम टू माय चैनल केक वॉक स्टूडियो। और आज जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं अपने स्टूडियो में मौजूद नहीं हूँ, मैं हूँ अपने घर के किचन में। और मैं उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे और अपने घरों में होंगे, बाहर कहीं नहीं जा रहे होंगे, क्योंकि ये COVID-19 कोरोना वायरस ने हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है। तो अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। बच्चों को छुट्टियाँ हो चुकी हुई हैं, बहुत सारे इदारे बंद हैं, शॉपिंग मॉल्स बंद हैं, रेस्टोरेंट्स बंद हैं, इसका मतलब है कि नो एंटरटेनमेंट और अपने घर में बैठें। लेकिन घर में बैठने का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं है कि हम घर में बैठ के मज़े के खाने नहीं खा सकते। तो उसके लिए मैं आई हूँ आपको अपने ही घर के किचन से हेल्प करने, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा है कि जो मैं अपने घर में अपने बच्चों और मियाँ के लिए बनाऊँगी वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इट विल नॉट बी जस्ट अबाउट बेकिंग, हर तरह की चीज़ें जो भी डेली मेन्यू होगा वो जहाँ तक हो सके कोशिश करूँगी कि आपके साथ शेयर करूँ। जो इंग्रेडिएंट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं उसके साथ हम क्या कुछ कर सकते हैं, कितने क्रिएटिव हो सकते हैं और घर बैठे रेस्टोरेंट्स के खानों का मज़ा ले सकते हैं अपने घर में ही बना के। तो आइए शुरू करते हैं। तो जनाब, आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चीज़ी वाइट सॉस। ये वाली रेसिपी बहुत सारे आपके पास्ताज में और इवन पिज़्ज़ाज़ में और लज़ानिया में और बहुत सारी चीज़ों में, मैक एंड चीज़ में, एनचिलाडास में इस्तेमाल होती है। तो ये रेसिपी तो आपने पक्की याद कर लेनी है और इसमें एक्सपर्ट हो जाना है, क्योंकि इससे बनने वाली बहुत सारी चीज़ें अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ आने वाले दिनों में। तो शुरू करते हैं जी। तो आपको वाइट सॉस बनाने के लिए चाहिए 2 टेबलस्पून बटर, आधा कप मैदा, एक आप चिकन क्यूब या चिकन स्टॉक की जो क्यूब मिलती है मार्केट में वो आप ले सकते हैं, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर देती है आपको, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच पेपरिका, आधा चम्मच वाइट पेपर और आधी चम्मच काली मिर्च या सफ़ेद मिर्च जो होती है, ठीक है ना। इसके लिए ये है कि ये बिल्कुल आपके जायके पे डिपेंड करता है, अगर आपको नमक कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, वाइट पेपर नहीं डालनी, पेपरिका अवेलेबल नहीं है, आपको पता है आजकल बाहर जाना भी मुश्किल है, तो ये पेपरिका ऑप्शनल है, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नमक और काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च से भी काम चला सकते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए 2 कप दूध और 1 कप पानी, वो भी आप हद में ज़रूरत डालेंगे कि जितनी कंसिस्टेंसी आपको अपनी वाइट सॉस की चाहिए। मुझे बहुत थिक नहीं पसंद, क्योंकि जैसे ही वक्त गुजरता है और ये थोड़ी ठंडी होती है तो बहुत थिक होने लगती है, जो फिर फ्लेवर नहीं देती है आपके पास्ताज में और एनचिलाडास में। और आपको 100 ml क्रीम चाहिए, ठीक है। एक क्रीम का जो पैकेट होता है उसमें 200 ml होती है, तो मैं इसमें आधा पैकेट डाल रही हूँ। आप इसको फ़ौरन भी इस्तेमाल कर सकते हैं बनाने के बाद, और फ्रिज में भी 2-3 दिनों तक सेव कर सकते हैं। इस क्वांटिटी को आप डबल भी कर सकते हैं। तो आइए बनाते हैं जी। तो सबसे पहले जी आपने अपना चूल्हा जला लेना है और उसके अंदर आपने डालना है जनाब बटर, ठीक है। ये बटर जैसे ही मेल्ट होगा तो हम इसके अंदर मैदा डाल देंगे, ठीक है। और मैदा डालने के बाद इसको ज़रा थोड़ा सा जैसे टोस्ट करते हैं मैदे को, अच्छी तरह मैदा भुना लेंगे। बड़ी क्विक सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाएगी और इंतहाई मज़ेदार, बल्कि आप लोगों ने जब ये बनाएंगे और जितने क्रिएटिव होंगे मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब बटर मेल्ट हो गया, अब मैंने इसके अंदर मैदा डाल दिया। मैदा डालने के बाद आप इसको, अच्छा इसका ख्याल आपने बहुत रखना है, अगर ये आपका जल जाता है ना तो जनाब ये तो दोबारा से आपको करना पड़ेगा। तो ज़रा सर पे खड़े रहें, क्योंकि उसमें बहुत ही बुरी जलने की स्मेल आती है। तो ये देख रहे हैं आप कैसे बटर और मैदा जो है वो आपस में घुल मिल से गए हैं जी। जनाब तो ये आपका मैदा और बटर को 2 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए, अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 कप दूध, ठीक है।
ध्यान से डालिएगा और दोबारा से इसको मिक्स करते रहें। क्या आपको लगेगा कि तो हल्के से लम्ब्स बने हैं, लेकिन वो उतना मसले वाली बात नहीं है। वो आप इसको हिलाएंगे विस्क के साथ तो वो ठीक हो जाएंगे। इसी टाइम के अंदर मैं इसके अंदर जो मेरे मसाले थे जो मैंने आपको बताया, नमक, पेपरिका, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर, ठीक है, और जो मेरा चिकन की क्यूब है वो भी मैंने डाल दी और मैंने ये भी डाल दिया ताकि ये मेरे दूध और मसाले सब इनकॉर्पोरेट हो जाएं आपस में इसी प्रोसेस में। ये तकरीबन आपका 2 से 3 मिनट ये वाला प्रोसेस भी लेगा, क्योंकि इसके अंदर मैदा है और हमने दूध डाला है तो वो मैदे के साथ ये जो है ना, ये एकदम अभी तो आपको पतला लग रहा है लेकिन ये एकदम थिक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से मैंने अपने पास पानी भी रखा हुआ है। क्योंकि क्रीम भी डल रही है, दूध भी 2 कप डल चुका हुआ है, तो फिर मैं बहुत मज़ीद दूध नहीं डालना चाह रही, क्योंकि वरना वाइट सॉस जो चीज़ी सॉस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी लगती है। ये देखें जनाब, ये आपका थिक होना शुरू हो चुका है और मैं कॉन्स्टेंटली इसके अंदर ये विस्क चला रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि ये मज़ीद थिक ना हो जाए। जैसे मैंने आपको कहा 1 कप पानी जाना है, तो मैं पहले अभी 1/2 कप डाल रही हूँ, ठीक। लेकिन जब आपको लगे ना कि भाई मेरी वाइट सॉस की ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उससे ये थोड़ा जब पतला हो तभी आप उतार लें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि आप ठंडा होगा ना तो ये थिक हो जाएगा। अब ज़रा पानी भी अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए, ज़रा यकजान हो जाए सारे मसाले सारी चीज़ें, तो चूल्हे से उतारने से कोई 1 मिनट पहले इसके अंदर हम डाल देंगे जनाब क्रीम। अगर आप उस टाइम में मैक एंड चीज़ बना रहे हैं और आप इसके अंदर मोज़रेला चीज़ भी डालना चाहते हैं तो ज़रूर डाल सकते हैं, जितना चीज़ उतना मज़ेदार। अच्छा जी, तो मैंने इसके अंदर सिर्फ अभी तक 1/2 कप पानी ही डाला है, मज़ीद मैंने नहीं डाला। आप इस वक्त अपनी वाइट सॉस को चख भी सकते हैं, अगर आपको लगे कि नमक ज़्यादा होना चाहिए या कोई और सफ़ेद मिर्च या काली मिर्च आपको ज़्यादा करनी है तो आप इस टाइम पे अपने जायके के मुताबिक उसको ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये था थोड़ा सा पानी जो रह गया था वो मैंने अभी डाल दिया। इसको तकरीबन 1/2-1 मिनट और बनाने के बाद मैं इसके अंदर बस क्रीम डालूंगी एंड इट इज़ रेडी। तो जनाब ये हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट भी चला गया, क्रीम, ठीक है। अच्छा, आप कोशिश करें कि क्रीम आपकी ना रूम टेम्परेचर पे हो, क्योंकि जब हम लोग सेवरीज बनाते हैं या कुछ भी तो हम कहते हैं ना कि भाई ठंडी ठंडा पानी ना डालें सालन में, तो इसी तरह अगर आप रूम टेम्परेचर पे होगी थोड़ा उसको पहले से फेंट लें और फिर इस्तेमाल करें। ये देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें एंड इट इज़ रेडी। मज़ेदार चीज़ी चीज़ के बग़ैर कितनी चीज़ी है ये आप देख रहे हैं। ये जनाब ज़बरदस्त, ये जिस तरह आपके थोड़े बहुत आपको लगे लम्प्स हैं तो ये आप इसको इस तरह से प्रेस कर लें, ठीक है। जी, तो आपकी मज़ेदार वाइट चीज़ी सॉस रेडी है और मैं बस आप सबके लिए यही दुआ करती हूँ और मैसेज देना चाहती हूँ कि भाई ये वक्त भी गुज़र जाएगा, फ़िक्र मत करें, लेकिन ख्याल ज़रूर रखें ज़िम्मेदार शहरी की तरह। हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब मतलब के वो जो बेल आइकॉन है ना,
उसको आपने हिट करना है, ये जो बेल आइकॉन वहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और मेरे इतने प्यारे भोले व्यूअर्स हैं कि उनको यही नहीं पता लग रहा कि हमने मैसेजेस कहाँ करने हैं, तो मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आ रहे हैं और व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं और फेसबुक के पेज पे मैसेजेस आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे से केक वॉकर्स, ये वीडियो चल रही है ना अभी इस वक्त यूट्यूब चैनल पर, तो आप इसको स्क्रोल डाउन करें, हाँ नीचे जाएँ और नीचे जाएं, हाँ बाकी वीडियोस आ गई हैं, बिल्कुल बिल्कुल वीडियोस आ गई हैं, और नीचे जाएं, ठीक है, ये रहे मैसेजेस, यहाँ आई ऑप्शन, इधर करने मैसेजेस, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।